हेलो एवरीवन चलो मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे मार्केट कहाँ मोमेंटम करेगा हम कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करते हो तो क्या 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 सकती है अभी देखो मैं एक चीज यहाँ पर जो समझ नहीं पा रहा हूँ यही है देख कॉमेंट्राडी के अंदर मार्केट को पकड़ रहे हैं मोमेंटम कैच कर रहे हैं पैसा बना रहे हैं बात वो नहीं है बात यह है कि मैं ये देखने की कोशिश समझ नहीं पा रहा हूँ इसको कि भाई साहब चाहते क्या है मतलब जैसा आप इमेजिन करो यहाँ पर एक बहुत पहले नीचे चला आता है मार्केट फिर वापस ऊपर चला जाता है फिर मार्केट यहाँ पर आकर दिखाता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ फिर से बा मार्केट दिखाता है मैं से फिर भी बुलिश नहीं फिर नीचे जाना चाहता हूँ भाई चाहते क्या है यहाँ तो बस एक सिंपल सा मुझे फॉर्मूला या फिर फंडा दिखते जा रहा है कि ये ओनली और ओनली ऊपर से यहाँ से कॉल को शॉर्ट करके बैठेंगे और नीचे से पुट शॉर्ट करके बैठेंगे और मार्केट को पूरा टाइम इसी रेंज के अंदर अंदर टाइम पास करवाएंगे और ये सब कुछ पैसा कमा लेंगे मतलब जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर जो बैठे हुए हैं बैठे हुए वो बस आराम से प्रीमियम को डीके करना चाहते हैं और आराम से पैसे बनाना चाहते हैं हम इंट्राडे के अंदर पैसे बना रहे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है मेरी दिक्कत यह है या फिर मैं क्या है कि मैं चाहता हूं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट क्यों नहीं बन पा रहा है एक ट्रेंडिंग मार्केट है क्यों नहीं ऐसे चीजों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहां पर मार्केट साइडवाइजर रहता है, है कंटिन्यूशन में थोड़ा बहुत नीचे आता है फिर सार्डवेयर चला जाता है फिर थोड़ा फिर कंटिन्यू फिर यहाँ पर एक पंद्रह बीस दिन सार्डवेयर चला जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट सार्डवेस्ट टाइम यहाँ पर सार्डवेस्ट टाइम मतलब मार्केट के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है मार्केट क्या करना चाहता है देखो ये केस में क्या हो जाता है ना मार्केट दो टाइप से करेक्शन करता है एक होता है मार्केट का टाइम करेक्शन होता है और दूसरा होता है प्राइस करेक्शन होता है टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में वो वीडियो बना के दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्लान हो जाता है एंड uh, सबसे uh, आप लोगों के लिए धन्यवाद uh, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच गाई आप लोगों ने इतने ज्यादा मुझे विशेष किए फॉर द माई न्यू कार थार के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेस आपने दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच गाई थैंक यू सो मच बिकॉज ये सब कुछ पॉसिबल स्टॉक मार्केट की वजह से हो जाता है और ये आप भी कर सकते हो

हम ओपन करके शॉर्टर पीरियड में मतलब 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखेंगे कि हमें प्लान क्या करना है और क्या चीजें करना है लेकिन कंडीशनली आप देखोगे कि, कि तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है अभी भी यहां पर भी देखो बहुत यहाँ सेलिंग आया फिर दो कैंडल ऊपर बनी है फिर नीचे चला आया मैंने आपको निप्टी के अंदर अगर आपको वीडियो याद नहीं है पर मैंने आपको बताया था वो याद नहीं है मैंने क्लियर कट आपको बता रखा था अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा तो पिछले चार्ट ओपन करके देख लेना निपटी यहां से इस तरीके से नीचे जा ही नहीं सकता इट इज इम्पॉसिबल है मैंने आपको पहले बताया था निप्टी को इस जगह पर ऊपर जाने के बाद ही फिर

उसको ट्राई कर सकते हो आप भी जब किसी आपके अगर नहीं है तो किसी दोस्त का वगैरह चला के देख लीजिए नहीं तो सबसे सिंपल है यार थार के शोरूम में चले जाओ महिंद्रा के शोरूम में चले जाओ और टेस्ट ड्राइव ले लीजिए मजा आ जाएगा आप भी खरीदी लोगे इतना जबरदस्त मजा है उसका जाओ मजे करो आपको भी मजा आ जाएगा <laughs> तो चलो देखते हैं हमने जो प्लान करके रखा था निफ्टी को आने वाले टाइम में तीन चार दिन पहले

हंड्रेड एंड वन परसेंट लॉस बैक करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर देखो ऐसे फ्लो के साथ अगर मार्केट नीचे चला भी जाता है ऐसे फ्लो के साथ नीचे चला भी जाता है आई एम इंटरेस्टेड नॉट मैं इंटरेस्ट नहीं लेने वाला मार्केट चला जाता तो मैं पहले देखूंगा समझूंगा और प्राइस देखूंगा और फिर डिसीजन लूंगा लेकिन चलो मैंने अभी आपको बताया कि मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं करने वाला लेकिन अगर पहली कैंडल मुझे कुछ अच्छी वाली दिख जाती है तो अभी उसकी बात है मैं ट्रेड कर लूंगा क्यों क्योंकि मैटर क्या करता है चार्ट मैटर करता है बाकी कुछ मैटर ही नहीं करता तो अगर चार्ट देखिएगा

एट uh, हंड्रेड इसके नीचे में बैंक निफ्टी को एग्रेसिवली सेलिंग की तरफ जाने का प्लान कर सकता हूं उसके पहले पहले मैं एग्रेसिवली सेलिंग का मार्केट का प्लान बना ही नहीं सकता मेरे लिए एग्रसिव मार्केट हो नहीं सकता इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा अभी समझकर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा मैं समझकर देखने की ट्राई कर सकता हूं मैं डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी एंगल पर मार्केट को सेल करने का ट्राई नहीं हो सकता न ही मैं कर सकता हूं इस बात को आपको ख्याल रख लेना चाहिए इस बात को आपको समझ लेना चाहिए आपको मैं मार्केट नीचे चला जाता है एक रेंज क्रिएट प्रॉपर बन जाता है तभी मेरे लिए सेलिंग का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा या फिर बाइंग का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा या तो फिर मार्केट को फिफ्टी के ऊपर सीधे डायरेक्टली अगर गैप अप ओपन हो जाता है और फिर उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करने लगता है प्राइस अगर उसके ऊपर प्राइस प्रॉपर वेट करने लगता है सस्टेन करने लगता है तभी जाकर मैं बैंगरप्टी को प्लान कर सकता हूं बाइंग के लिए अदरवाइज मेरा कोई प्लान ही नहीं बन सकता ना सेलिंग के लिए ना बाइंग के लिए

कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं इसीलिए आपको वो बताने की चीजें कोशिश करते जा रहा हूँ तो लेटेट सी की निपटी के बारे में एक बार प्लान क्या कर, कर सकते हैं निप्टी देखो मेरे लिए निपटी थोड़ा सा बढ़िया है कि निप्टी को मैं एक सेलिंग के लिए मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए मैं प्लान बना सकता हूँ लेकिन प्लान कब बनाऊंगा देखो मैं निफ्टी के लिए आपको कुछ स्ट्रैटर्जी बताता दो अच्छे से सुन लेना निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है मान के चलो यहाँ पर निफ्टी ओपन हो जाता है और निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद पहली बार में मैं क्या करूंगा पहली बार में यहाँ पर एक बार मैं सिक्सटी परसेंट क्वांटिटी में एक बार ट्रेड करने का प्लान करूंगा सेलिंग साइड के लिए निफ्टी अगर यहाँ सेलिंग के लिए कंटिन्यूशन में नीचे चला जाता है और फिर नीचे आकर ट्वेंटी के पास चला जाने के बाद अगर फिर निपटी यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश करे अगर वेट करे और थोड़ा बहुत रुके और फिर यहां से नीचे करने का ट्राई करता तो फिर मैं यहाँ पर 40 परसेंट क्वान्टिटी को ऐड कर दूंगा और एक बड़ी क्वांटिटी के साथ मैं निपट्टी को सेलिंग करने का प्लान कर सकता हूं फिर निप्टी कंटिन्यूशन में नीचे जाने का प्लान मुझे क्लियर कट दिख रहा है क्योंकि निपटी के अंदर वो अभी क्या है कि निप्टी के अंदर एक जबरदस्त तरीके से एक पैटर्न बनता जा रहा है जहां से एक सेलिंग का प्रॉपर पैटर्न मुझे दिख रहा है कि बढ़िया मौका मिल सकता है लेकिन मैंने आपको प्लान बनाया अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद निप्टी सीधे ऊपर ही चला जाता है और ऊपर से कोई फेल ही नहीं कर पाता मतलब क्या है कि निप्टी पर

पहली बार में अगर सीधे नीचे चली आती है तभी मेरे लिए कोई ट्रेड बन जाएगा मैं अगर गैप अप ओपन हो जाती है निपट्टी को मैं पहली बार बिल्कुल भी निफ्टी को बाय या सेल नहीं करने वाला फिर मैं जाकर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीरो फिफ्टी के ऊपर निफ्टी को एक बार सस्टेन करने दूंगा ऊपर जाने के बाद अगर फिर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तभी मेरे लिए एक छोटा मोटा ट्रेड बन जाएगा लेकिन मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता दो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी के ऊपर ही तब जब जब तक आप प्रॉपर जाकर निफ्टी सस्टेन ना करें तब तक मैं निफ्टी को एग्रेसिवली बाइंग की तरफ नहीं जाने वाला मैं थोड़ा सा निफ्टी के अंदर खुद को बचाने का ट्राई कर सकता हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट लास्ट टाइम पे नीचे आया हुआ है उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है तो उस चीज के लिए थोड़ा सा टेक केयर खुद को करना पड़ सकता है वो आप इतना समझ गए होंगे मिलता आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाई टेक केयर